आदिवासी विकास आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह अपने दंतेवाड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक ली और छात्रावास का दौरा भी किया और कर्मियों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। आयोग का अध्यक्ष दंतेवाड़ा जिले के बलाडीहा पहाड़ों के पीछे बसे लोहा गांव के आदिवासियों की सुविधा के लिए जिले के प्रसिद्ध आयरन और माइनिंग कंपनी NMDC को पुल बनाने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम भी दे डाला। आयोग अध्यक्ष ने सिंचाई व्यवस्था का भी जायजा लिया और इरिगेशन विभाग को भी जमकर फटकार लगाई, जल्द कार्य को पूरा करने का आदेश भी दिया, जिससे शासन द्वारा खर्च किए जा रहे पैसों का किसानों को लाभ मिल सके। आज मैं NMDC के दोनों किरंदुल और बचेली के भू अर्जन अधिकारी और वहां का जो प्रशासनिक अधिकारी है और पुराना जो नाम SR का है उसका नया नाम कुछ अभी आया है मुझको याद नहीं है, लेकिन पुराने जो SR कंपनी का के जो अधिग्रहण के बाद जो वहाँ पर हैं उनको मैंने बुलवाया था। NMDC ने 53 गांव का को चिन्हांकित किया है कि ये हमारे प्रभावित गांव हैं। उन गांवों में पानी जो स्वच्छ उनको मिलने की व्यवस्था, वहाँ के आवागमन को दुरुस्त करने की व्यवस्था और शिक्षा के लिए भी उन्होंने पहल करने की बात कही है कि हम स्मार्ट क्लास वहाँ पर लगाएंगे। हमारा एक सेंटर होगा, उस सेंटर से संबंधित स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था दी जाएगी। इसके अलावा सबसे दूरस्थ अंचल का जो गांव है लोहा गांव, पहुंचविहीन गांव है, उस पहुंचविहीन गांव में पुल बनाने के लिए NMDC ने 1 महीना का समय मांगा है कि हमको 1 माह का समय दे दीजिए, 1 माह में हम उस गांव में जाने के लिए पुल का निर्माण करके हम देंगे। लोहे का पुल उन्होंने बनाया बोला है कि उसका स्ट्रक्चर बना करके हमको वहाँ फिट करना है, हम वहाँ आने जाने की व्यवस्था हम वहाँ पर करा दें। अनुसूचित जनजाति आयोग का जो प्रादेशिक कार्यालय है वो रायपुर में है और दूरस्थ अंचल जो हमारे हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के, जिसमें छत्तीसगढ़ में 85 ब्लॉक और 13 जिले आते हैं, जो सुदूर अंचलों में हैं और जिसकी वजह से हमारे पास जो आवेदक जो आते हैं वो लगभग, अगर दोनों तरफ से मैं उत्तर और दक्षिण से अगर मैं उसके उस बात को देखूं तो लगभग 500 किलोमीटर उनको पड़ता है रायपुर आने जाने में। इसके वजह से हमारा जो आवेदक पक्ष है और अनावेदक पक्ष समय पर वहाँ आ नहीं पाते, इसलिए समीक्षा बैठक हमारा जिले में होता है संबंधित जिलों में और साथ ही उन प्रकरणों की सुनवाई भी हम वहाँ पर करते हैं। उसी तारतम्य में मेरा दंतेवाड़ा में आना पड़ा और जगदलपुर भी मैं आया था। दोनों जगह मैंने प्रकरणों की सुनवाई भी किया। जगदलपुर का जो प्रकरण था वो मैंने नस्तीबद्ध कर दिया। यहाँ आज 6 प्रकरण थे जिनकी सुनवाई किया और एक उसमें नस्तीबद्ध हुआ है। 2 प्रकरण ऐसे थे 170 खा का और एक में पैसों के लेन देन का मामला था। 170 खा वाले में 1 महीने का टाइम दिया गया है कि 1 महीने के भीतर भीतर उसमें कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी और पैसों के लेन देन के संबंध में जो बात था उसके लिए भी मैंने टाइम दिया है कि आप इसको निराकरण करा लें, अन्यथा मुझको FIR दर्ज कराने के लिए लिखना पड़ेगा पत्र। उन्होंने अपनी सहमति दी है कि हम आपस में बैठ करके इसको निपटारा कर लेंगे। इसके अलावा कल जिले का मैंने समीक्षा बैठक किया। समीक्षा बैठक के बाद मैं क्षेत्र में भौतिक सत्यापन के लिए भी गया हुआ था। 3 आश्रम में गया और कुछ स्कूलों में भी गया था, तो 3 में से 1 आश्रम था जो मुझे सही सलामत दिखा। बाकी 2 ऐसे आश्रम थे, बालिका छात्रावास, जिस पर बहुत सारी अनियमितता भी मुझको दिखाई दी, जिसके लिए मैंने जिला कलेक्टर को और हमारे SC ट्राइबल को मैंने निर्देशित किया है कि समय सीमा पर उन सारे चीज़ों पे जो जो कमी है, पानी, बिजली और शौचालय का और वहाँ के खाने की व्यवस्था, इन सारे चीज़ों को आप समय पे ठीक करा लीजिए, अन्यथा मुझको सरकार को चिट्ठी लिखना पड़ेगा कि नियमानुसार इस पर कार्रवाई की जाए। आज मैं स्कूलों के निरीक्षण के लिए गया हुआ था, जिसमें शिक्षा विभाग के स्कूल हैं, 1-2 स्कूल में मध्याह्न भोजन देर से बना बन